किसान बिल के संसद में पास होने के बाद किसानों ने भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उनका मानना था कि सरकार एमएसपी पर खरीद बंद कर देगी। जिसके संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान से एक एक दाना खरीदा जाएगा। चौहान ने धान खरीदी के संबंध में आयोजित बैठक में कहा कि किसानों से एक एक दाना हम खरीदेंगे। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर खरीदी हो। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी से किसान लाभान्वित हो और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए। साथ ही धान की गुणवत्ता का जरूर ध्यान रखा जाए, लेकिन किसान का हित प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में समर्थन मूल्य से कम राशि किसान को ना मिले और उसे बिना परेशानी के उपार्जन प्रक्रिया का लाभ भी दिया जाए। इस समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल सहित मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई, एमडी मार्कफेड पी नरहरी, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खड़े और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में धान खरीदी के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए जा रहे हैं। धान उत्पादक जिलों में विशेष व्यवस्था की जाएगी। धान की खरीदी, किसानों को राशि के भुगतान और उपार्जित धान के स्टोरेज के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।